हेलो फ्रेंड, मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं राहुल सर, हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे स्लैब बीम का साइट का एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, हम पहले वाला वीडियो में जो अपलोड किया था वो था आपका एक प्लान से हम कैसे ब्रिक वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे। आज का जो टॉपिक है वीडियो है ये वाला में हम बताएंगे आप सबको जो कैसे हम बीम का साइट का एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो सेम प्लान है ये वाला, देखिए प्लान सेम प्लान पहले वाला जो वीडियो में था सेम प्लान था। यहाँ हम थोड़ा चेंज किया हूँ, कॉलम पोजीशन हम प्लेस किया हूँ। देखो ये वाला प्लान में सेम प्लान है पहले वाला वीडियो में, यहाँ सिर्फ हम कॉलम प्लेसमेंट किया हूँ। ठीक है, तो कॉलम है ये वाला, एक कॉलम है ये वाला, एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम है ये वाला, एक कॉलम ये कॉलम है ये वाला और ये वाला, जो क्रॉस है सब है कॉलम है। यहाँ मतलब इस वाला प्लान में कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वाला ड्राइंग में हमारा 9, इस वाला वीडियो में हम 9 कॉलम दिया हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम जो स्लैब है स्लैब का साइट कैसे मेज़र करूँगा व कैसे एरिया निकालूँगा। ठीक है, तो ये वाला एक देखो हम ये वाला प्लान है, ये वाला कॉलम पोजीशन, और जब हम ये जो विंडो है विंडो से जब सेक्शन काटूंगा हम जब विंडो से ओके जब सेक्शन काटूंगा तो वॉल का सेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे वॉल सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला फ्लोर है, यहाँ से यहाँ तक की ब्रिक वॉल है, और ये वाला विंडो, विंडो के लिए कितना विंडो होता है, 4 फीट का। उसके बाद क्या होता है, लिंटेल होता है 6 इंच का, और चाचा देखो ये वाला सेक्शन काटने से हमारा ये वाला पूरा वॉल का सेक्शन ऐसे होगा। उसके बाद क्या है, ब्रिक वॉल, और ये वाला जो है ये वाला जो है ये वाला आपका बीम है। देखो स्लैब बीम है, कितना साइज का है, 10 इंच × 16 इंच का। ठीक है, स्लैब बीम है 10 इंच क्या है, ये वाला है 10 इंच, बीम का जो बेस है ये वाला 10 इंच, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये आपका 16 इंच है, और यहाँ क्या है, स्लैब है। देखो कितना 5 इंची का स्लैब है, यहाँ मतलब स्लैब 5 इंची का स्लैब है। तो आप जब विंडो से सेक्शन काटेगा ए सेक्शन, इसका सेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो हम आज का वीडियो में क्या बताएंगे आप सबको, जो हमारा जो पहला वाला वीडियो में हम क्या किया था, ब्रिक वॉल का एरिया निकाला था, ये वाला जो एरिया है ब्रिक वॉल का हम एरिया निकाला था। आज का वीडियो में क्या, जो बीम है मतलब यहाँ से तो यहाँ तक हमारा एरिया निकला है, अभी तो ऊपर में तो जो ए वाला बीम है, ठीक है ए वाला जो बीम है, ये वाला पूरा जो बीम है यहाँ का हम एरिया निकालूंगा, क्या ए साइड का जो वो साइड है, ये वाला जो साइड है ये साइड का हम एरिया निकालूंगा। तो इस वाला जो प्लान है, प्लान के ऊपर हम देखो इस वाला प्लान में हम एक प्लान मैंने सेम प्लान के ऊपर हम क्या एक स्लैब बीम का लेआउट किया हूँ। देखो स्लैब बीम का लेआउट, ये वाला कॉलम है, देखो कॉलम 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 कॉलम, और ये वाला क्या है, ये वाला पूरा हमारा स्लैब बीम है, मतलब कॉलम से कॉलम तक कितना बीम है, 10 इंच का बीम है, कॉलम से कॉलम तक यह है, यहाँ से यहाँ तक बीम है पूरा हमारा, ये वाला बीम है। अभी जो हम एरिया निकालने के लिए नंबर से हम बीम को प्रोवाइड किया हूँ, देखो ये वाला B1 है A B3 है, ये वाला बीम, ये वाला क्या है B5 सेम B4 और B2 बीम है। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा जो लाला आपका जो जो
कॉलम होता है, ठीक है, ये देखो जो एक फ्लोर है, हाँ फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से ये आपका कॉलम है, समझो, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ये आपका स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक स्लैब का थिकनेस कितना हुआ, 5 इंची हुआ, ठीक है, 5 इंची थिकनेस स्लैब है। और ये वाला क्या है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला आपका बीम है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बीम का साइड, मतलब ये वाला साइड, ए साइड, ए साइड। तो आपका जो कॉलम होता है, जो कॉलम जब उठता है तो कितना तक ढला, मतलब कास्टिंग होता है कॉलम का, ये वाला कॉलम यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा कॉलम है। तो कहाँ तक कॉलम का कास्टिंग होता है, जब हम स्लैब बीम करता हूँ, ठीक है, स्लैब बीम का बॉटम बॉटम फेस तक हमारा कॉलम का ढलाई होता है व कास्टिंग होता है। उसके बाद कॉलम का जो सरिया है व रेनफोर्समेंट है वो क्या होता है, बीम का ऊपर ऐसे हो जाता है, मैंने यहाँ मैंने बीम का ऊपर हमारा क्या होता है, प्लेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब कॉलम का जब कास्टिंग होता है कहाँ तक, हमारा जो बीम है बीम का बॉटम सरफेस तक हमका हमारा कॉलम का कास्टिंग होता है और ढलाई होता है। और क्या होता है, उसके बाद जो कॉलम का जो सरिया है बीम का अंदर चल जाता है, उसके बाद हाँ बीम का अंदर जाने के बाद, ठीक है, बीम का अंदर जाता है, मतलब जहाँ तक हमारा कास्टिंग हुआ है, ठीक है, उसका एरिया हम निकालूंगा। तो बीम का मतलब यहाँ से तो यहाँ तक, तो बीम का हमारा एरिया कितना निकलेगा कास्टिंग, मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट तक, ठीक है, तो तो हमको ये वाला जो साइड है, ये साइड का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो बीम का साइज कितना था, 10 इंच × 16 इंच का, ठीक है, तो हम साइड कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा कितना है हाइट बीम का, 16 इंची, तो 16 इंची तो फुल नहीं होगा हमारा हाइट, मतलब यहाँ आप क्या है, स्लैब है, कितना का, 5 इंची का स्लैब है, तो 16 इंची से हमें 5 इंच क्या है, डिडक्शन करना पड़ेगा, 16 इंच से हमको स्लैब के लिए 5 इंची डिडक्शन करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 11 इंच, मतलब बीम का जो साइड है यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 11 इंच, मतलब 11 इंच लेके हमको, मैंने 11 इंच डेप्थ लेके हमको बीम का साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान में ये जो प्लान है, मतलब वो जो बीम है, मतलब अभी जब बीम का जो साइज होगा डिडक्शन करने के बाद क्या होगा, 10 इंच और 11 इंच होगा, ठीक है, मतलब 10 इंच बाय 11 इंच, 10 इंच क्या है, बेस, मतलब विड्थ हुआ आपका 10 इंच और ये वाला बीम का डेप्थ हुआ 11 इंच, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 10 इंच होगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला साइड के लिए, मतलब बीम का जो डेप्थ होगा वो 11 इंच होगा। तो ये वाला जो आपका कैलकुलेशन है, देखो एरिया ऑफ बीम 1 एंड 2, ये वाला देखो सेम हमारा है, बीम 1 और बीम 2 हमारा लेंथ सेम है, मतलब हम जब एरिया निकालूंगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा बीम का लेंथ और बीम का हाइट, मतलब हाइट से, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, मतलब हाइट तो हम जानते हो, हाइट कितना 11 इंच होगा, अपनी लेंथ हमको देखना पड़ेगा कि लेंथ कितना होगा। तो ये वाला प्लान में देखो, मतलब हमारा जो बीम का जो लेंथ होगा, हमारा तो यहाँ से यहाँ कितना है,
20 फीट 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका लेंथ है 20 फीट 3 इंच, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका है 27 फीट 11 इंच, मतलब 27 फीट 11 इंच है आपका। ठीक है, तो हम पहले मतलब ये वाला तो सेम लेंथ है हमारा, देखो 20 फीट 3 इंच, ये भी सेम 20 फीट 3 इंच, तो हम मान लिया जो लेंथ हमारा कितना हुआ 20 फीट 3 इंच। देखो तो एरिया ऑफ द बीम 1 एंड 2, देखो बीम का 1 वाला बीम जैसे है 2 वाला सेम लेंथ हमारा है, और डेप्थ तो सेम 11 इंच होगा हमारा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ बीम 1 एंड 2 साइड कितना, लेंथ कितना 20 फीट 3 इंच, इंटू बीम का डेप्थ कितना हम लिया था 11 इंच, देखो 11 इंच इंटू 2 किस लिए दिया, दोनों साइड है, मतलब यहाँ हमारा जो आउटसाइड है, आउटसाइड का हमको हम तो जब ब्रिक वॉल का जब एरिया निकाला था आउटसाइड का तो साइड हम ले लिया था, तो हमको ये वाला जो लेंथ है इससे हमको अंदर का जो साइड है ये वाला हमको सिर्फ लेना पड़ेगा, बाहर का नहीं होगा, मतलब अंदर का हमको लेंथ लेना पड़ेगा, मतलब बाहर का जो है बाहर हम कैसे किया था पहले वाला वीडियो में, हम ब्रिक वॉल का जब एरिया निकाला था तब हम आउटसाइड का ले लिया था। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको अंदर वाला साइड होगा, तो ए एक साइड है और ए वाला एक साइड है, दो साइड। ठीक है, इसलिए हम दो दिया हूँ, देखो इसलिए दो दिया हूँ। इसका कितना है 20 फीट 3 इंच, मतलब 0.25 इंटू 11 इंच, मतलब 0.91 इंटू 2 एक साइड और एक साइड के लिए 2, कितना हुआ 36.85 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, मतलब चले ए वाला बीम और ए वाला बीम हमारा हो गया एरिया कितना निकला 36.85। अभी देखो एरिया ऑफ बीम 3 साइड के लिए, देखो ए वाला हम बीम 3 है, ठीक है ये हमारा बीम 3 है, तो बीम 3 में हम साइड कितना ले रहे, दोनों साइड होगा, मतलब यहाँ भी एक साइड होगा और यहाँ से भी एक साइड होगा, मतलब यहाँ जब बीम प्रोवाइड किया हूँ मतलब यहाँ भी तो हमारे 11 इंच का साइड है, और इसका अपोजिट साइड में मतलब ए वाला हमारा पूरा एरिया निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट आइए, ए वाला बाद में बता रहा हूँ, ए वाला देखो एरिया ऑफ बीम 4 एंड 5 साइड, देखो ए वाला 4 लिया हूँ और ए वाला 4, तो यहाँ सिर्फ एक ही साइड होगा, किस लिए आउटसाइड है, मतलब ए वाला अंदर का बाहर का जो आउटसाइड है ये हम जब पहले वाला वीडियो में जो आपका ब्रिक वॉल का जो एरिया निकला था वो हम ले लिया था हाइट। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ से अंदर का साइड होगा, तो कितना साइड, एक साइड और दो साइड होगा। ठीक है, तो लेंथ कितना लेना पड़ेगा, मतलब लेंथ यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा लेंथ, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक तो ले लिया हूँ। ठीक है, तो हमको डिडक्शन करना पड़ेगा एक कॉलम टोटल, ये जो कॉलम है कॉलम हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा, इसलिए हम मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लिया हूँ, तो हमको जब इसका ये इस साइड में जब एरिया निकालूंगा मतलब हमको दोनों साइड से कॉलम का एरिया बाद देना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब ए वाला कॉलम और ए वाला कितना है, कॉलम का साइज 10 इंची बाई 10 इंची कॉलम, तो मतलब टोटल हमारा जो लेंथ है इससे हमको 10 इंची और 10 इंच मतलब 20 इंच हमको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो मतलब बीम 4 और बीम 5 मतलब जो इनसाइड है इनसाइड कम दे लूँगा, मतलब आउटसाइड तो हम ले लिया हूँ, तो एक साइड और ए वाला मतलब 2 हुआ, तो हमको कितना तक लेंथ लेना पड़ेगा, मतलब ए वाला बीम में हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया हूँ, मतलब जब अब इधर से जब लूँगा मतलब हमको तो ए वाला पूरा हम ले लिया हूँ लेंथ। ठीक है, तो हमको क्या डिडक्शन करना पड़ेगा 10 इंची,
10 इंच टोटल मतलब 20 इंच कितना से 27 फीट 11 इंच मतलब 27 फीट 11 इंच से हम जब 20 इंच बाद दूंगा, किसलिए कॉलम का जो ये वाला जो लेंथ है दो हमको रिलेशन करना पड़ेगा, तो कितना होगा हमारा 26 फीट 3 इंच होगा। ठीक है, तो लेंथ इतना हुआ, उसका डेप्थ कितना होगा 11 इंच सेम, कितना साइड एक साइड और दो साइड इंटू टू के लिए यहाँ किया हो देखो 26 फीट 3 इंच इंटू 11 इंच इंटू टू साइड दोनों। ठीक है, तो कितना होगा 26.25 फीट इंटू 0.91 फीट इंटू टू, तो कितना हुआ आपका 47.77 स्क्वायर फीट हो गया। मतलब ए वाला साइड भी हमारा कंप्लीट, ए वाला साइड भी कंप्लीट, मतलब ए वाला पूरा चार साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको अंदर का जो साइड, तो अंदर का जो साइड है ए वाला जब मतलब B3, तो हम ए तो पूरा ले लिया हूँ, तो अंदर में तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा लेंथ हमारा, इस मतलब ए वाला हमारा ले लिया हूँ, इस B4 और 5 जब का लेंथ निकाले था तब ए वाला पूरा लेंथ हम ले लिया हूँ। तो ठीक है, तो हमको ए वाला डिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना है ये दोनों कॉलम का जो 10 इंच और 10 इंच हमको डिडक्शन करना पड़ेगा B3 के लिए। ठीक है, तो जब 20 फीट 3 इंची से मतलब B3 जब हम ये करूँगा एरिया निकालूंगा, मतलब कहाँ से होगा ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो टोटल कितना है 20 फीट 3 इंच मतलब 20 फीट 3 इंच से हमको माइनस कितना ए वाला 10 इंची और ए 10 इंच मतलब 20 इंच हमको डिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 इंच डिडक्शन करने से कितना होगा हमारा 18 फीट 7 इंच होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 18 फीट 7 इंच, इससे बीम का हमको डेप गुण करना पड़ेगा, हाँ इंटू करना पड़ेगा, डेप कितना 11 इंच। ठीक है, तो यहाँ साइड कितना होगा दोनों साइड मतलब इस बीम का इस वाला साइड भी होगा और बीम का अपोजिट वाला साइड भी हमारा होगा, तो कितना साइड होगा दो, और एक साइड और एक वाला साइड होगा बीम का। ठीक है, तो दो होगा, तो दो देखो आपका एरिया ऑफ बीम थ्री देखो कितना हुआ 18 फीट 7 इंच इंटू 11 इंच 18.58 7 इंच मतलब, और 11 इंच मतलब 0.91 इंटू टू दोनों के लिए ए वाला साइड और ए वाला साइड के लिए, तो कितना हुआ हमारा 33.81 स्क्वायर फीट निकल गया B3, मतलब B3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अभी क्या ड्यू है मतलब B6 और B7, तो B6 के लिए लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, किस लिए मतलब B3 का तो पूरा हमारा लेंथ ले लिया हूँ। ठीक है, ये वाला भी तो हमारा ऐड हुआ है वहाँ, तो हमको ये वाला भी हमारा ऐड हुआ है। ठीक है, ये वाला ऐड है, तो हमको क्या यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक बीम का लेंथ लेना पड़ेगा, तो कितना होगा देखो तो हमको यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लूँगा देखो प्लान तो ये है हमारा सेम प्लान। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, हमारा वॉल कितना है 5 इंची वॉल है। ठीक है, ये वाला भी 5 इंची वॉल हमारा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है 13 फीट 9 इंच है। हाँ, तो हमारा देखो 13 फीट 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 9 इंच हमको, पहले ए वाला 5 इंची और ए वाला 5 इंच हमको डिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब 10 इंच डिडक्शन करना पड़ेगा क्या वाला से हमारे 13 फीट 9 इंची से। तो देखो 13 फीट 9 इंची से हम जब 10 इंच की डिडक्शन करना पड़ेगा, तो कितना होगा हमारा 12 फीट 11 इंच होगा। ठीक है, तो कितना होगा 12 फीट हमारा 11 इंच होगा हमारा लेंथ कहाँ का हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 11 इंच हुआ, तो आपका डेप कितना है 11 इंच। ठीक है, 11 इंच डेप हमारा, कितना साइड है टू साइड देखो, मतलब यहाँ एक साइड है और ये वाला एक साइड बीम का दो साइड, इसलिए टू दे गुण के देखो 12 फीट 11 इंच इंटू 11 इंच इंटू टू साइड के लिए, ए वाला एक साइड है ए वाला एक साइड के लिए,
तो कितना हुआ हमारा टोटल करके 23.49 स्क्वायर फीट निकल गया हमारा, ठीक है। तो ए वाला हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक बीम का साइड, मतलब ए वाला तो हमारा आगे B3 बीम में हम ले लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद B7 का देखो, B7 का भी सेम, हम तो ये वाला ले लिया हूँ ए वाला बीम, और ए वाला बीम ही हो गया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक B7 का लेना पड़ेगा, तो कैसे निकालूँगा देखो, प्लान देखो, हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है बीम का लेंथ 4 फीट 5 इंची, देखो लेंथ कितना है 4 फीट 5 इंची है हमारा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 फीट 6 इंच प्लस 8 फीट 6 इंच, टोटल कितना हुआ हमारा 4 और 8 12 फीट 11 इंच हुआ, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ 12 फीट 11 इंच, तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो इससे हमको डिडक्शन कितना करना पड़ेगा 5 इंच। तो हमारा प्लान में देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट 5 प्लस 8 फीट 6 12 इंच हुआ, मतलब उसके बाद माइनस 5 इंच डिडक्शन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है कलम, तो यहाँ से 5 इंच वाले, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 इंच, मतलब टोटल से हमारा ये वाला एक साइड का 5 इंच बाद डिडक्शन करने से हमको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 फीट 11 इंच से हम 5 इंच डिडक्शन किया, ठीक है। तो कितना हुआ 12 फीट 6 इंच, मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हुआ हमारा 12 फीट 6 इंच। तो 12 फीट 6 इंच देखो इंटू 11 इंच डेप्थ बीम का, और टू साइड के लिए, एक साइड और एक साइड दोनों साइड के लिए टू दिया, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा टोटल हुआ 22.75 स्क्वायर फीट निकल गया हमारा। अभी देखो टोटल एरिया ऑफ द बीम साइड, टोटल हम बीम का साइड का एरिया, तो यहाँ कितना निकला था 36.85, देखो 36.85, दूसरा वाला में 33.81, तीसरा वाला में 47.77, उसके बाद वाला 23.49, उसके बाद 22.75, टोटल हमारा बीम का जो साइड निकला 164.67 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सिंपल से एरिया निकालता हूँ बीम का साइड का, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।